hi everyone my name is sana and welcome back to my channel salon fact i hope you all are guys doing fine if you are new here please do subscribe my channel and don't forget to press bell icon so guys ask this video ma'am. सिखाने वाली हूँ मैचोर स्किन पे कैसे मेकअप करें जो हमारा बेस है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने एक पहले ऑलरेडी एक मैचोर स्किन मेकअप की वीडियो अपलोड कर रखी है अगर आप फुल मेकअप देखना है तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से देख सकते हो कि मैचोर स्किन पर बेस मेकअप कैसे करते हैं तो मैं सिर्फ आई मेकअप बताने वाली हूँ आज कि मैचोर स्किन में हम किस टाइप का आई मेकअप दें किस टाइप से आई मेकअप करें क्योंकि गाय जो बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी भी मेकअप मैच्योर स्किन मेकअप पे दिखाते हैं, जो कि हमारे क्लाइंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उनकी आंखों पे शोभा भी नहीं देता इतने क्रिएटिविटी वाले मेकअप इसी तरह सिंपल ओवर आई मेकअप करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आईलिट पर मैंने कंसीलर यूज़ किया कंसीलर मैंने फॉर एवर फिफ्टी टू का यूज़ किया जो है शेड डबल जीरो वन दैन मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करके मैं लूज़ पाउडर से एक स्मॉल पाउडर ब्रश से लॉक कर दूंगी जो आई शेडो ब्लैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर हम अच्छे से आई बेसो है लॉक करते हैं तो क्योंकि मैच्योर स्किन में ऑलरेडी रिंकल्स होती है हमें आई शेडो ब्लैंड करने में ऑलरेडी हमें बहुत दिक्कत होती है पैचेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं लाइन्स आती है आई शेडो में तो हम अगर अच्छे से आई बेस सामान लॉक करेंगे तो हमारा आई शेडो जो है ब्लेंडिंग में ईजी रहेगा डैम हम अंडर आइज पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूज पाउडर लगा के छोड़ रही हैं और मैंने क्रीज लाइन पर भी लाफिंग लाइन पर भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूज पाउडर लगाया अंडर आइज पर क्योंकि जो फॉल आउट्स होते हैं हमारे आई शेडो वो बाद में अच्छे से क्लियर से वो क्लीन हो जाए कोई ईजीलिया कोई वहाँ पर निशान ना रहे दैन मैं डार्क ब्राउन आई शेडो से नहीं सॉरी डार्क ब्राउन आईब्रो डिफाइनर से मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ और आईब्रोज को ज़्यादा मैं थिक नहीं कर रही दैन मैं आई शेडो एप्लीकेशन करूँगी आई शेडो एप्लीकेशन में आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी और मैंने आई लिड को जो है ऊपर से मैंने पफ यूज़ करके मैंने आईब्रोज़ को हल्का सा स्ट्रेच कर रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स है मैचर स्किन है इसीलिए दैन मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ पैक का ब्लैंडिंग ब्रश है और इसको मैं आई शेडो पहले बहुत कम आई शेडो लेकर ब्लैंड कर लूँगी अच्छे से फिर दैन मैं थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी डार्क उसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी हमने एकदम से डार्क शेड नहीं लेना लाइट कलर लेना है दैन हमने डार्क कलर लेना उसको अच्छे से ब्लेंड करना है कोई लाइन नहीं आनी देनी हमने और हमने गाइस आई मैचर स्किन में हमने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखानी क्रिएटिव आई शेड हमने एप्लीकेशन नहीं करना सिंपल शोबर आई शेड जैसे कि अगर डार्क कॉर्नर डार्क करनी है तो ब्लैक शेड से आप उसको उस कलर को आप डार्क कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है मैंने पहले डार्क शेड लिया उसके बाद हल्का सा ब्लैक शेड लेके उसको आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर रही हूँ मैं इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करूँगी सिंपल सोपर आई शेडो करूँगी दैन में एक कॉपर को, कलर का मैं मटैलिक शेड ले रही ले रही हूँ जिसको मैं फिंगर से मैं सिर्फ सेंटर ऑफ लिड से लेके मिड लिड तक उसको अच्छे से स्वाइप करके ब्लेंड करूँगी डैप डैप करके और स्वाइप करके मटैलिक शेड को ब्लेंड करते सेंटर ऑफ आई तक मैं दोनों आईज पे लगाऊंगी गाय जितना करते तो हमें इतने मतलब इसके लोगों के लिए मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है हमें ज़्यादा क्रिएटिव नहीं करना ये बात आप ध्यान रखिए उसके बाद गाय जो हमारी मटैलिक शेड और मैट शेड के भी जो लाइन क्रिएट हो रखी है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सेम शेड लेके लाइक आप देखिए दैन में काजल एप्लीकेशन कर रही हूँ क्योंकि आईज मैं लैसेज़ वगैरह नहीं यूज़ कर रही तो मैं आई काजल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्किन में आप काजल अप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छा लगता है काजल दैन में काजल को एक फिनिशिंग लुक देने के लिए डार्क ब्राउन आई शेडो से लोअर लैश लाइन पे मैं स्मज कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और मैं लाइनर यूज़ करी उसके बाद ताकि आईज अच्छी लगे क्योंकि मैं लैशेस तो यूज़ नहीं कर रही देन हल्का सा क्लाइंट की डिमांड थी थोड़ी पार्टी मेकअप था तो हल्का ग्लिटर ही लुक दे तो ऊपर से मैंने हल्का सा गोल्डन कलर का ग्लिटर अप्लाई कर दिया है फिर मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ लाइनर को भी आईब्रोज को स्ट्रेच करके कर, कर रही हूँ क्योंकि लाइनर अगर रिंकल्ड स्किन में अगर लाइनर लगाते हैं तो लाइनर की इवन लाइन नहीं आती अनइवन होती है तो इसी तरह मैं लाइनर लगा दिया है गाइज और मैं लैसेस नहीं यूज करी तो अच्छे से हमें मस्कारा कर देना है मस्कारा के आप आप डबल कोट कर सकते हो लोअर लैस लाइन पे और अपर लैस लाइन पे आप अच्छे से मस्कारा कर देना है क्योंकि लैसेंस अच्छे भी नहीं लगते और क्लाइंट की डिमांड भी नहीं होती कि लैसेस लगानी है क्लाइंट खुद मना करते हैं लैसेस नहीं लगानी तो मैं बहुत अच्छे से मस्कारा कर दूँगी दैन जो भी हमारे फेस पे फे पाउडर है फॉल आउट्स है उसको मैं क्लीन करके आ, उसके बाद मैं लिपस्टिक एप्लीकेशन करूँगी लिपस्टिक एप्लीकेशन में थोड़ा सा रेड में मैरून कलर मिक्स करके एक शेड बना लिया है मैंने प्रॉपर रेड भी नहीं है मैरून भी नहीं है दोनों तो को मिक्स करके एक शेड बनाया। गाइस अगर आपको लिपस्टिक में भी लिपस्टिक एप्लीकेशन में दिक्कत आती है प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती तो मैंने एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी मैंने कर रखी है हाउ टू uh, लिपस्टिक यूज़ लिपस्टिक आसानी से कैसे लगाए उसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं जैसे ब्रश किस एंगल में किस डिग्री में हमें ब्रश यूज़ करना है ये सारे ट्रिक्स मैंने बताए अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ जाके देख सकते हो जैसे कि परफेक्ट मैंने लिपस्टिक लगाई है क्लाइंट के लिप्स के अकॉर्डिंग मैंने एक्सटेंड नहीं किया है ऑलरेडी क्लाइंट की लिप्स बहुत ज़्यादा सुंदर है इतना थिन नहीं है एक्सटेंड करने की नीड नहीं है और मैच्योर स्किन में गए एक्सटेंड किए हुए लिप अच्छे भी नहीं लगते एज हमारे कंट्री के और हमारे एरिया के अकॉर्डिंग में जैसे इंडिया में नहीं पसंद करते देन आईब्रोज को हल्का स्ट्रेच लुक देने के लिए मैं आईब्रो बोन हाईलाइट कर रही हूँ जिससे कि आईब्रोज पे आई जो है हल्का सा स्ट्रेच लगे और थोड़ा सा कमरिंग कर गाइस आप देख सकते हो मेकअप कितना सुंदर और सोवर लग रहा है आप देख सकते हो मैचर स्किन में आप इसी तरह के मेकअप करें ज़्यादा क्रिएटिविटी कट क्रीज हलो फुल कट क्रीज ये सब नहीं करना गाइज अगर आप भी अपने क्लाइंट पे इसी तरह के सुंदर सोबर मेकअप करोगे तो आपके क्लाइंट हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाइड होंगी सो गाइज ही इज द फाइनल लुक गाइज आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय